कश्मीर की मौजूदगी में ये फ्रॉड हो रहा हमारे साथ, सुबह बन ही नहीं सकता है। और जो चीज नहीं बन सकता है तो उसमें खाम खा अपना और लोगों का वक्त जाया करने की क्या जरूरत है। ये हमें मजीद बेवकूफ नहीं बना सकते हो, हम मजीद बेवकूफ बनने के लिए तैयार नहीं है। आपको मेदिशाह जैसा बदनाना भी मिलेगा, फिर करमल शाह जैसा गवर्नर भी मिलेगा, ये मिलते रहेंगे। ये आज की बात ही नहीं है, ये नई बात नहीं है, ये लोग मिलते रहेंगे आपको। लेकिन हम कभी भी नहीं मानेंगे ऐसी चीज़ों को। अभी भी हमें एक इतला मिली है कि हमारे गिलगित बल्तिस्तान यूनाइटेड मूवमेंट के मंजूर हुसैन परवाना को एससी साहब ने तलब किया है। तो ये कहानियाँ इस तरह की चीज़ों से ये मसाइल हल नहीं होते भाई मेरे। जितने चाहे हम सब आएंगे एससी साहब के पास जाएंगे, क्या मसला, हम खुद हल करेंगे। हम मंजूर परवाने को अकेला नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। तो बहरहाल आपका बहुत वक्त गुजर चुका है, बहुत सी तकरीरें आपने सुनी, बहुत कुछ सुन चुके हैं। अब मजीद मैं आपका वक्त ज़्यादा नहीं लूँगा। इन्हीं अल्फाज के साथ आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने बड़े तहम्मुल से हमें सुना, हमारे प्रोग्राम को कामयाब बनाया। बहुत बहुत शुक्रिया। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم میں موسمی ولد اللہ تعالیٰ کو حاضر و ناظر جان کر دھرتی ماں کی مقدس مٹی سے عہد کرتا ہوں کہ بالاورستان نیشنل اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن کی فلاح و بہبود اور بہتری کے لیے اپنی تمام تر صلاحیتوں کو بروئے کار لاتے ہوئے اپنے فرائض منصبی میں کوئی کوتاہی نہیں کروں گا، اپنے ذاتی مفادات پر تنظیمی مفادات کو ہر وقت ترجیح دوں گا اور اپنے مفادات کے لیے کسی قسم کی سودبازی نہیں کروں گا اور بالاورستان نیشنل اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن کے آئین پر عمل کرنے کا پابند رہوں گا مبارک آپ کو سیکرٹری صاحب مبارک موبائل کو صحیح لگا موبائل کو صحیح پروگرام کا اختتام ہونے والا ہے لاسٹ میں ہمارا قرارداد ہوتا ہے 2011 اور 12 کا جو ہمارا قرارداد ہوتا ہے اس کے بعد مہمانوں کے لیے کھانے کا انتظام کیا جاتا ہے باہر قرارداد کے بعد آپ لائبریری سے جا کے کھانا کھا سکتے ہیں प्रेसिडेंट काफ़ी इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी अदनान शहबाजी को दावा देता हूँ कि वो स्टेज पर आए और करवा नहीं कागना की ऐलान के बाद
इमदाद पेश किया जा रहा है तमाम तंजीमी कारकुन और अदारान गौर फरमाएं। बलूचिस्तान नेशनल स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन का सालाना कन्वेंशन 2011-2012 जो तलबा का चौथा कन्वेंशन है, शुरका दरअसल इलामिया इतफाक राय से मंजूर करते हैं। गिलगित बल्तिस्तान में मेडिकल इंजीनियरिंग, लॉ, कॉमर्स, आईटी और टेक्निकल इदारों का क्याम अमल में लाया जाए। नंबर दो, गिलगित बल्तिस्तान के हर डिस्ट्रिक्ट में यूनिवर्सिटी कैंपस तामीर की जाए। नंबर तीन, गिलगित बल्तिस्तान के तलबा के लिए पाकिस्तान के यूनिवर्सिटीज़ में तालीमी कोटा में इजाफा किया जाए। नंबर चार, गिलगित बल्तिस्तान की वाहिद यूनिवर्सिटी कराक्रोम इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी समेत दीगर कॉलेजों में स्कूलों में फीसों की फिलफोर कमी की जाए। गिलगित बल्तिस्तान के तमाम सरकारी और गैर सरकारी इदारों में गैरकानूनी और मेरिट की मामली करते हुए की गई हुई भर्तियों को मंसूख किया जाए। नंबर छः, गिलगित बल्तिस्तान के कौमी वसाइल को गैर मुल्की कंपनियों को लेस देने की भरपूर मजम्मत करते हैं। नंबर सात, बलोचिस्तान गिलगित बल्तिस्तान के तारीखी रास्ते लद्दाख स्कर्दो अस्तोर श्रीनगर मुस्कुराबाद इश्कोमंदा ताजिकिस्तान फंडर चतराल बरास्ते अफगानिस्तान खोल दिया जाए ताकि हमसाय ममालिक के साथ सियासती तजारत और आम के आपस में मिलने जुलने का के साथ तालीमी सेहत और मुस्तकबिल में वसी पैमाने पर सिफारशी तालुकात के जरिए तजारत तालीम और ज़र मुबादला कमाया जाए। नंबर आठ, मुतासरीन सैलाब को नज़रअंदाज करने की रविश को तरक किया जाए और मुतासरीन को बिलफौर माली मदद की जाए। बलोचिस्तान गिलगित बल्तिस्तान के सरहदात का आलमी कमीशन का के तयन और हक के मलकियत के बाद किसी बड़े तामीरी मनसूबे की तामीर करने का इख्तियार गिलगित बल्तिस्तान के हकीकी अवामी हुकूमत को हासिल है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। अब प्रोग्राम बर्खास्त हो चुका है। तमाम कारकुनों से गुजारिश है कि वो खाना तलावल करवा के प्रोग्राम का इख्तिताम।